So again, traditional classification includes three accounts: personal account, real account, and nominal account. In personal account, we take all the persons, natural person, artificial persons, and representative persons. And in real account, we take all the assets and investment like machinery, building, plant, etc. And in nominal account, we take all the expenses, all the losses, all the incomes, and all the gains and profit. Now the rule for the personal account is debit the receiver, credit the giver. And rule for the real account is debit what comes in and credit what goes out. Whereas the rule for the nominal account is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Agar aapko ye rules sahi tarike se aa jate hain, to any entry you can pass easily. Samajh mein aa raha hai beta? Am I audible? Yes, sir. Okay, good. So, now, first of all, let us understand कौन सा अकाउंट है वो पहले हम समझने का ट्राई कर रहे हैं. So I have said whiteboard. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay, good. So अभी जो मैंने important points बताए उसको फिर से revise कर देता हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर ये आएगा तो आगे हमारी प्रोसेस इजी हो जाएगी. सबसे पहले मैंने आपको बताया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट. वन इज पर्सनल अकाउंट एंड दिस पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स पर्संस. इसमें सारे पर्संस आ जाएंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, सभी पर्संस इसमें आ जाएंगे. सेकंड मैंने आपको बताया रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में सारी असेट्स और इन्वेस्टमेंट आएंगे. और थर्ड मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है. फिर मैंने पर्सनल अकाउंट का आपको रूल बताया. अगर ये रूल आपको याद है तो आप इजिली एंट्री कर पाओगे. जैसे कि रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर. अगर कोई पर्सन है एंड इफ इज द रिसीवर, यू हैव टू डेबिट हिम और हर. सो यू हैव टू डेबिट द रिसीवर. एंड इफ समवन इज गिवर ऑफ द बेनिफिट, देन यू हैव टू क्रेडिट क्रेडिट द गिवर. एक बार रूल समझ लो, बाद में आगे हम समझेंगे कि कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है. अच्छा, रियल अकाउंट जो होता है तो रियल अकाउंट्स में असेट्स आती है. तो इसके लिए रूल ऐसा है कि अगर आपके बिजनेस में कोई असेट आ रही है तो उसे डेबिट करना है. तो रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन. मैं आगे ऐड कर देता हूं बिजनेस. अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है, कोई असेट आ रही है, यहां पे व्हाट जो लिखा है उसका मतलब होता है एनी असेट और एनी इन्वेस्टमेंट. If it is coming in the business, then you have to debit it. And what you have to credit? Credit what goes out. अगर आपका कोई asset है business का,
वो बिजनेस से जा रहा है, अच्छा जाएगा कैसे, तो हम उसको सेल कर देंगे तो बिजनेस में से असेट कम हो जाएगी, तो उसको फिर क्रेडिट करना है। जैसे कि मशीन सेल कर दिया तो मशीन आपके बिजनेस से चला जाएगा, तो मशीन अकाउंट यू हैव टू क्रेडिट। बट जब मशीन सेल करोगे तो दूसरी एक असेट आपके बिजनेस में आ जाएगी, कैश आ जाएगा, बिकॉज कैश से आपने मशीन सेल किया तो कैश विल कम इन द बिजनेस एंड मशीन विल गो आउट ऑफ बिजनेस। तो कैश कम्स इन द बिजनेस, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द मशीन गोज आउट एज वी सोल्ड आउट, सो मशीन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कैश एंड मशीन, बोथ आर द रियल अकाउंट, one is coming in the business, one is going out of the business, what comes in that is debited, what goes out that is credited. So ye rule hai uska. Thereafter nominal account, to nominal account mein sare income aur expenses aate hain, aur nominal account ka rule hai ki agar business mein koi expense hua hai ya to business mein loss hua hai तो उनको डेबिट करना है, जैसे कि सैलरी पे की वर्कर्स को, तो सैलरी इज पेड सो इट इज एक्सपेंस, सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो व्हेन यू पे सैलरी, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट इज एक्सपेंस। लाइकवाइज सपोज रेंट पेड, तो इफ यू आर पेइंग द रेंट देन रेंट इज अवर बिजनेस एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। Similarly, if you are making the payment of the stationery expense, so stationery expense will be debited because all expenses are debited. अगर कोई loss है तो वो भी debit होगा। और दूसरा rule है, all the incomes, any type of gain or any type of profit is credited. अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई गेन हुआ है, तो उसको क्रेडिट करोगे। मान लो आपका बिल्डिंग है, आपने रेंट पे दिया है, तो जो रेंट मिलेगा आपको, रेंट रिसीव्ड हुआ तो वो क्रेडिट करेंगे। तो मान लो लैंडलॉर्ड टेनेंट ने आपको 5000 रेंट पे किया, तो आपके पास 5000 कैश आएगा। अच्छा 5000 किस लिए आया, बिकॉज रेंट का आया। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, वन इज कैश अकाउंट, सेकंड इज रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश कम्स इन द बिजनेस, अच्छा कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, तो कैश तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट। अच्छा ये कैश अभी क्यों मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ रेंट रिसीव्ड एंड द रेंट रिसीव्ड इज वन टाइप ऑफ इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड। तो आपको देखना है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, एंड कीपिंग इन दैट इन माइंड यू हैव टू डेबिट और क्रेडिट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड द रूल्स ऑफ अकाउंट। आ रहा है समझ में आप लोगों को? जी सर। ओके, see this was a traditional classification, now I'm going to explain you modern classification and sir ek bar excuse me sir ek bar nominal account pe ek bar khali ek line mein boliye na ha dekho personal ho gaya person to person real account ho gaya asset jis pe dikha raha hai aur nominal kya hai ha nominal देखो नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम और सारी एक्सपेंसेस आएगी, सारे प्रॉफिट्स और लॉस आएंगे। अगर बिजनेस का कोई एक्सपेंस है, बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या तो गेन हो रहा है या तो कोई इनकम हो रही है, तो यहाँ नॉमिनल का रूल लागू होगा। तो मैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको, वर्कर्स को सैलरी पे किया, तो सैलरी आपका इनकम हुआ कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है, हाँ एक्सपेंस हुआ। तो फिर आपको नॉमिनल का रूल अप्लाई करना है कि सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस, और नॉमिनल का रूल क्या है, देखो एक्सपेंस और लॉस आर डेबिटेड, तो सैलरी को आप डेबिट करोगे बिकॉज इट इज एक्सपेंस। आया समझ में? हाँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर आप सैलरी पे करोगे तो आप उनको कैश दोगे कि नहीं, या तो चेक दोगे? नहीं सर,
डेफिनेटली कैश दोगे या चेक दोगे, बराबर है, या तो उसके या तो उसके अकाउंट में, अकाउंट में ट्रांसफर करो, अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मॉडर्न ही समझते हैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो चलो पेमेंट किसने किया, आपने किया या बैंक ने किया? बैंक ने किया, लेकिन हमारे अकाउंट से किया। वेरी गुड वेरी गुड, बैंक ने किया आपके अकाउंट से। तो यहाँ पे हु इज द गिवर, देने वाला कौन है? गिवर इज द बैंक। तो यहाँ पे आपको फिर बैंक जो है पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट बिकॉज ऑल द बैंक आर कंसिडर्ड एज ए पर्सन। जितनी भी बैंक है उनको पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक ने दिया है इसलिए हम करेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री ऐसे बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, एक तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट हो गया और बैंक देने वाली है यहाँ पे, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट से अप्लाई होगा। कितने लोग इसको इस तरीके से भी सोचते हैं कि सर बैंक से पैसा गया मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, हुआ कि नहीं? बिजनेसमैन ने पेमेंट किया तो बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट से अमाउंट कट गई। जैसे कि मैं आईटीएम यूनिवर्सिटी की बात करूं, आईटीएम यूनिवर्सिटी अपने वर्क अपने स्टाफ को सैलरी पे करेगी तो उनका जो बैंक बैलेंस होगा वो कम होगा कि नहीं? हाँ होगा। वेरी गुड। तो बैंक बैलेंस एक असेट है, हमारा बैंक बैलेंस हमारी असेट है, किसी भी बिजनेसमैन का बैंक बैलेंस उसकी असेट है। तो असेट में रियल अकाउंट आएगा और रियल अकाउंट का रूल क्या है देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई असेट बिजनेस में आती है तो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस कम हुआ मतलब हमारे बिजनेस में से बैलेंस गया, बाहर गया, वर्कर्स की सैलरी के तौर पे गया, सो वी हैव टू क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों तरीके से आप सेट करोगे, आंसर यही रहेगा, कहीं से भी आप अप्लाई करो। आ रहा है समझ में? हाँ। चलो एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और आइडिया आ जाए। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 बाय कैश, ₹10,000 कैश में हमको कमीशन मिला। तो सबसे पहले तो यहां सोचना है कि कौन से अकाउंट्स बन रहे हैं। तो देखो कमीशन मिला, दैट मींस वन अकाउंट इज कमीशन रिसीव्ड, एंड कमीशन रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज नॉमिनल अकाउंट सेज ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट। तो कमीशन इज रिसीव्ड सो इट इज अवर इनकम। तो अब मुझे बताओ नॉमिनल का अकाउंट देख के, रूल देख के, दिस कमीशन रिसीव्ड आप डेबिट करोगे कि क्रेडिट? क्रेडिट करेंगे। एग्जैक्टली, क्रेडिट करेंगे बिकॉज कमीशन इज रिसीव्ड। अच्छा अब सवाल ये होता है, एक अकाउंट हमें मिल गया कि क्रेडिट क्या करना है हमें पता है, कमीशन रिसीव्ड। अच्छा कमीशन के लिए मैंने ऐसा बोला कमीशन रिसीव्ड 10,000 बाय कैश, तो अब कैश दूसरा अकाउंट बन रहा है, हमारे बिजनेस में 10,000 कैश आ रहा है और कैश हमारी असेट है, तो असेट का रूल अप्लाई होगा मतलब रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, सो कैश कम्स इन द बिजनेस, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो यहाँ पे एंट्री हमारी ऐसी बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। आ रहा है समझ में कुछ? ये थोड़ा घूम गया, या थोड़ा ऐसा हो गया, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूं, कमीशन मिला आपको, बराबर है? हाँ, वहां तक तो ठीक, नॉमिनल अकाउंट तक तो ठीक था। हाँ अच्छा, कमीशन व्हाट कम्स इन प्रॉफिट या गेन जो भी है वो क्रेडिटेड हो रहा है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कमीशन में मिला क्या आपको, क्या मिला? 10,000 रुपीस मिला एज कैश। हाँ कैश मिला। अब मुझे बताओ कैश क्या है, हमारा इनकम है, एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है, एसेट है, एसेट है, और असेट है, तो कौन सा अकाउंट अप्लाई होगा इन तीनों में से? रियल अकाउंट। वेरी गुड, रियल। तो अभी कैश को आपको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। अब आपको सोचना है रियल अकाउंट में दो ही चीज सोचनी है, असेट बिजनेस में आ रहा है या असेट बिजनेस से जा रहा है। तो आप सोचो इस ट्रांजेक्शन में, आप सोचो ये कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। वेरी गुड, आ रहा है, तो डेबिट करना है क्योंकि रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस।
कैश अकाउंट आप डेबिट इसलिए करोगे बिकॉज दिस असेट कम्स इन द बिजनेस. इज इट क्लियर? हेलो. हाँ सर, गुड. क्लियर तो नहीं, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा. तो मतलब इसको मतलब डाटा कैसे मतलब ये होगा इसको मतलब अगर कोई कंपनी अपना मतलब एक बैलेंस शीट बना के रखनी चाहती है कि हाँ. ये आया तो उसको क्रेडिटेड दिखाएगी. हाँ. फिर उसको एसेट में जैसे ट्रांसफर किया तो फिर उसको डेबिट दिखाएगी, डेबिट इन बिजनेस. देखो अभी है ना, हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले हमको जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका एंट्री करना होता है जर्नल. अभी मैं वो आपको बता रहा हूँ. ये सारी एंट्रीज हो जाएगी, बाद में लास्ट में वो बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. हाँ. तो अभी अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस में कैश आया तो आपकी असेट बढ़ गई. तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बैलेंस शीट में कैश आपका 10,000 से बढ़ा दोगे. हाँ. दूसरी बात, आपको कमीशन मिला है तो कमीशन की जो इनकम हुई है वो आप बताओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें आप क्रेडिट साइड बताओगे कमीशन रिसीव्ड 10,000. दो जगह पे बताना पड़ेगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बताओगे कमीशन रिसीव्ड एज ए इनकम, और उसका जो 10,000 मिला वो आप बैलेंस शीट में बताओगे असेट में 10,000 कैश बैलेंस. ठीक है, ये तो ठीक है, ये दोनों समझ में आ रहा है. मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसकी दो इफेक्ट बनेगी. उसके पहले मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सैलरी पेड बाय चेक या तो सैलरी पेड बाय बैंक, तो उसमें सैलरी पे किया वो हमारा एक्सपेंस है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें डेबिट साइड जाएगा सैलरी पेड, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी पेड बताओगे. अच्छा, सैलरी पे किया तो आपका बैंक बैलेंस कम हुआ. हाँ. तो आपकी जो बैलेंस शीट होगी ना, बैलेंस शीट उसमें बैंक बैलेंस में से उतनी अमाउंट कट हो जाएगी, असेट साइड बैंक बैलेंस में से 10,000 जो भी सैलरी पे किया वो कम हो जाएगा. हाँ, वो तो है. हाँ, तो वही चीज है अकाउंट में कि कोई एक बैलेंस बढ़ता है कोई एक बैलेंस कम होता है. आपको खाली यही समझना है कि इफेक्ट कहाँ देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देनी है, असेट साइड देनी है, लायबिलिटी साइड देना है. वो दो इफेक्ट समझना, तो वो तब आप समझ पाओगे जब ये रूल्स आपको बाय हार्ट है. अगर आपको ये छह रूल्स, यहाँ पे सिक्स रूल्स आर रिटन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल के लिए यही सोचना है. अब आप पर्सनल के लिए रियल का रूल अप्लाई करोगे तो एंट्री गलत हो जाएगी. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं. सैलरी ₹5,000 पेड टू मिस्टर महेश. सोचो ये ट्रांजेक्शन, सैलरी ₹5,000 पेड टू मिस्टर महेश. अब यहाँ पे सबको बताया कि महेश को पे किया, मतलब महेश रिसीवर हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. तो वो लोग क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल का रूल अप्लाई कर देते हैं, महेश अकाउंट डेबिट कर देंगे. बिकॉज पर्सनल का रूल क्या बताता है, महेश इज अ पर्सन एंड ही हैज रिसीव्ड मनी, तो डेबिट मिस्टर महेश. पर ये गलत है क्योंकि हियर वी आर पेइंग एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एंड व्हेन यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस देन यू हैव टू इग्नोर द पर्सन, यू हैव टू कीप इन माइंड योर एक्सपेंस. तो सही में डेबिट होगा सैलरी अकाउंट. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से महेश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जबकि करना है सैलरी अकाउंट. सैलरी अकाउंट. तो ऐसी कॉमन मिस्टेक इसलिए हो जाती है जब हमें ये जो सिक्स रूल्स है अगर वो सही से नहीं समझ में आए तो वो मिस्टेक एंट्री में होगी, और एक बार एंट्री गलत हो गई तो आगे की सारी प्रोसेस गलत होती जाएगी. ओके. यस सर. ओके, तो ये हुआ आपका थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स. नाउ दिस इज अ ट्रेडिशनल. सर सर. यस. आपने जो सैलरी का बताया बताया ना कि महेश ने महेश को अपने दी, तो हमारा एक होगा एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा सैलरी अकाउंट, और क्रेडिट होगा महेश. अब क्रेडिट क्या होगा वो बताओ, क्या दिया आपने महेश को? कैश. हाँ, कैश. और कैश हमारी क्या है? एसेट्स. एसेट है.
अब सोचो आपने सैलरी पे किया तो आपका कैश बढ़ेगा कि कम होगा? होगा। कम होगा। और कैश में कौन सा रूल अप्लाई करोगे, रियल का, पर्सनल का या नॉमिनल का? नॉमिनल का, अरे कैश में सॉरी, हाँ, रियल 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 रियल। रियल का। चलो याद करो रियल का रूल क्या है। क्रेडिट, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोट। वेरी गुड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आपको यह सोचना है इस ट्रांजेक्शन में कैश गोज आउट और कम्स इन? गोज आउट, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कैश को आप क्रेडिट करोगे बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, और सैलरी तो एक्सपेंस है, वहां पे नॉमिनल का रूल अप्लाई होगा। और नॉमिनल का रूल बोलता है कि जितने भी एक्सपेंस है उसको करना है डेबिट। तो सिंपल से सैलरी डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करोगे। महेश को लाना ही नहीं है पिक्चर में, पर बच्चे गलती से महेश अकाउंट डेबिट कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि जब एक्सपेंस की बात करें हम, इनकम की बात करें, देन वी हैव नॉट टू कीप इन माइंड अ पर्सन, बट वी हैव टू कीप इन माइंड अवर एक्सपेंस एंड इनकम। चलो ये बेटा हो गया ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन आ चुका है, मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट। और मॉडर्न टाइप्स में भी इसी तरह के रूल्स दिए हुए हैं। मॉडर्न टाइप्स में टोटल 5 अकाउंट दिया हुआ है। एक तो दिया है असेट्स का अकाउंट, फिर सभी बिजनेस में लायबिलिटीज तो होता है, डेब्ट होता है, तो दूसरा है लायबिलिटीज अकाउंट, और बिजनेस का ओनर जो होता है, बिजनेस में जो अमाउंट लेके आता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल, तो एक होगा कैपिटल अकाउंट। और आप कोई भी बिजनेस ले लो, उस बिजनेस में एक्सपेंस तो होते ही होंगे, तो एक होगा एक्सपेंस अकाउंट। और बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी कोई इनकम होगी, तो होगा इनकम अकाउंट। तो ये 5 अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, जिसके 6 रूल है। मॉडर्न के हिसाब से 5 अकाउंट है, तो उसके यहाँ पे टोटल 10 रूल्स बनेंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं रूल्स, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट कैसे करना है उसका रूल्स दिया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा, आप कोई भी रूल अप्लाई करो, मॉडर्न अप्लाई करो या पर्सनल, सॉरी मॉडर्न अप्लाई करो या ट्रेडिशनल, आंसर सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं असेट्स का रूल आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द रूल ऑफ असेट। तो याद रखो असेट्स के लिए, अगर बिजनेस में असेट है, इंक्रीज होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन से बिजनेस असेट इंक्रीज होता है तो आपको उसे डेबिट करना है। और अगर कोई ट्रांजेक्शन में आपकी असेट डिक्रीज होती है तो मॉडर्न के हिसाब से उसको आपको क्रेडिट करना है। दिस इज द रूल फॉर असेट अकाउंट। ये मॉडर्न का रूल है। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कंप्यूटर्स ऑफ 50,000 रुपीज परचेस्ड बाय कैश, कंप्यूटर्स ऑफ 50,000 रुपीज परचेस बाय कैश। तो सबसे पहले तो दो अकाउंट फाइंड करने हैं, कौन से अकाउंट है। देखो, एक तो हमने कंप्यूटर खरीदा तो एक अकाउंट बनेगा कंप्यूटर अकाउंट, और दूसरा हमने कैश में परचेस किया तो दूसरा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। तो एक कंप्यूटर अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। अब आपको सोचना है ये असेट है कि लायबिलिटी। तो कंप्यूटर भी असेट है, कैश भी असेट है, दोनों असेट्स हैं। मुझे बताओ तो आपके बिजनेस में क्या बढ़ा, कैश बढ़ी कि कंप्यूटर्स बढ़े? कंप्यूटर्स बढ़े। बढ़े तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करोगे आप, और कैश बैलेंस आपका कम हुआ तो कैश को आप क्रेडिट करोगे। आया समझ में? ये सिंपल एग्जांपल मैंने लिया। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सब ट्रांजेक्शन में असेट ही होगा, इनका मिक्सचर भी होगा। कोई एक असेट अकाउंट होगा, कोई एक इनकम होगा,
कोई एक कैपिटल होगा कोई एसेट होगा, ऐसे मिक्सचर आएगा, मतलब आपको डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट यू हैव टू अप्लाई द रूल। ओके, सेकंड है लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज का रूल। तो आपको याद रखना है, अगर बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब डेप्ट बढ़ रहा है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो आपको उसे क्रेडिट करना है। असेट से टोटली रिवर्स है रूल। और अगर बिजनेस की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आप उसे डेबिट करोगे, इट विल बी डेबिटेड, टोटली उससे रिवर्स है। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल से समझे? यस सर। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिसमें आपको पता चलेगा लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ। बैंक लोन ₹1 lakh पेड बाय चेक। एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, बैंक लोन ₹1 lakh पेड बाय चेक। हमने हमारा बैंक का ₹1 lakh का लोन हमने चेक से पे किया। तो सबसे पहले तो दो अकाउंट कौन से बन रहे हैं, तो एक तो है हमारा बैंक लोन अकाउंट और दूसरा है हमने चेक से पेमेंट किया, तो दूसरा अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। जब भी चेक वर्ड आएगा तो बैंक अकाउंट पिक्चर में आएगा। तो हमारे पास दो अकाउंट यहां पे बन गया है, एक तो बैंक लोन, वन अकाउंट इज बैंक लोन अकाउंट, और दूसरा हमारा एक अकाउंट बन रहा है बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। अगर मैं कैश में पेमेंट करता तो कैश अकाउंट आता। अब आप मुझे ये बताओ, ये बैंक लोन और बैंक अकाउंट, उसमें असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? बैंक अकाउंट असेट है कि लायबिलिटी है? बैंक अकाउंट एसेट है। अरे बैंक से लोन लिया है, लोन हमने लिया है पैसा, बैंक लोन लायबिलिटी है। हाँ लायबिलिटी है। अच्छा, बैंक अकाउंट मतलब हमारा बैंक का बैलेंस, वो हमारी असेट है। अब आप ये सोचो, इस ट्रांजेक्शन में आपने बैंक लोन ₹1 lakh पे किया है चेक से, तो बोलो बैंक लोन कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, आपने ₹1 lakh पे किया तो आपके बैंक में से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों कम हो रहे हैं, बोथ आर गोइंग टू डिक्रीज। अब रूल्स पे आते हैं। हमको पता चल गया दो अकाउंट, हमको पता चल गया डिक्रीज इंक्रीज पता चल गया। अब रूल्स पे आते हैं, तो देखो बैंक लोन लायबिलिटी है, ऊपर ही देखो दो नंबर में लायबिलिटी अकाउंट का रूल क्या है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करो, डिक्रीज होगा तो डेबिट करो। तो यहां बैंक लोन डिक्रीज हुआ तो बैंक लोन को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। वेरी गुड। अब बैंक लोन पे हम आ जाते हैं, तो बैंक लोन के बाद बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस। आप सोचो आपने ₹1 lakh पे किया तो बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। ऊपर देखो असेट, बैंक बैलेंस असेट है, असेट में बताया असेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, कम होगी तो क्रेडिट करो। बोलो तो ₹1 lakh पे करने से असेट कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी, क्रेडिट होगा। डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, दोनों डेबिट नहीं हो सकते। तो यहां पे एंट्री हमारी बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया लायबिलिटीज का, और असेट का कॉम्बिनेशन लिया, दोनों ले लिए मैंने। एक अकाउंट लायबिलिटी है जैसे कि बैंक लोन, और एक असेट है जैसे कि बैंक अकाउंट। आया समझ में आपको? सर ये बैलेंस शीट में ही होगा ना एंट्री? पूरा का पूरा ₹1 lakh दे दिया हमने, या तो कुछ भी अमाउंट दे दिया तो उसमें से वो कम हो जाएगा, और सामने बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी।
एक लायबिलिटी साइड जाएगी, दूसरी असेट साइड जाएगी। वेरी गुड, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो मैंने आपको असेट का अकाउंट बताया, असेट वाला रूल बताया, लायबिलिटी का रूल बताया। अब थर्ड है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के लिए भी यही रूल है, लायबिलिटी जैसा ही रूल है, कि अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, और कैपिटल अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट करना है। जो लायबिलिटी में रूल था वही, अगर कैपिटल डिक्रीज होता है सो एट 3 o'clock वी हैव टू क्लोज अवर मीटिंग एज नेक्स्ट टीचर इज वेटिंग। एम आई ऑडिबल?